और बदायूं से दुखद खबर, बड़ी खबर, सपा विधायक हाजी इरफान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। गाड़ी पलटने से गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे हाजी इरफान, और इलाज के दौरान विधायक हाजी इरफान की मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत दो लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। मुरादाबाद के बिलारी से विधायक थे हाजी इरफान, मुजफ्फरनगर दंगे की जांच कमेटी के सदस्य भी थी हाजी इरफान। फॉर्चूनर गाड़ी से सैफई जा रहे थे विधायक हाजी इरफान। शिवपाल यादव के बेटे की शादी आज है जिसमें वो शरीक होने जा रहे थे, लेकिन एक मोड़ के पास चूंकि ये दोनों गाड़ियां बहुत रफ्तार में थी और इस वजह से बैलेंस बिगड़ा और सीधे पेड़ से टकरा गई। मुजरिया थाना क्षेत्र के कचला रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने, फॉर्चूनर गाड़ी उसकी हालत आप देख सकते हैं और गंभीर चोट आई थी। हालांकि फौरन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें जैसे ही रेफर किया गया हालत और बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इलाज के दौरान हाजी इरफान जो कि विधायक, उनकी मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो और लोगों की, जिसमें ड्राइवर भी एक शामिल है और एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी शामिल है, 14 लोग घायल हुए थे जिनमें से तीन की और भी हालत नाजुक अभी भी बनी हुई है। मुरादाबाद के बिलारी से वो विधायक थे, सैफई पहुंच रहे थे आज शिवपाल यादव के बेटे की शादी, लेकिन रफ्तार में गाड़ी होने की वजह से बैलेंस बिगड़ा और फिर पेड़ से जा टकराई गाड़ी और विधायक की मौत।